तो आज हम आपको घुमाने वाले एक खूबसूरत सुंदर और दिलनुमा दिल को छू जाने वाली पहाड़ियों पे। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ मैं जहाँ पे हम आए हैं, ये आप इधर मंदिर देख सकते हैं, हम का नाम है टुलू। एक माता का मंदिर है, बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। तो यहाँ का व्यू एकदम सुंदर है, एकदम क्या बोल सकते हैं इसको, मतलब हेवन ऑन अर्थ बोल सकते हैं हम इसको। तो अभी पीछे ये देवदार के पेड़ हैं, मतलब एक खूबसूरत, मतलब खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं। तो एक पहाड़ियों पे एक ऐसी खूबसूरत जगह जिसको हम जन्नत बोल सकते हैं। तो अभी ये पीछे देख रहे हैं आप, घारू मंदिर है, घारू माता का मंदिर है। तो इस मंदिर के ऊपर रास्ता जाता है, ये कैलाश कुंड के लिए जाता है, कैलाश कुंड के लिए जा रहा है। तो इसके पीछे आप देख सकते हैं एक स्वेज धार है, और मतलब तवी, जो तवी रिवर है उसकी स्टार्ट भी इसके पीछे से ही है, मतलब वहाँ से स्टार्ट होता है। अगर आप जाएंगे तो देख सकते हैं, अभी तो हम फिलहाल जा नहीं सकते क्योंकि मौसम सर्दियों का मौसम है, ऊपर जाने खतरे से कम नहीं है क्योंकि काफ़ी बर्फ है ऊपर, और बर्फ अभी तो पड़ भी सकती है, वहाँ पे बर्फ पड़ती रहती है, 12 महीने बर्फ पड़ती रहती है, नई पुरानी बर्फ अकेली जमा हो गई वहाँ पे, काफ़ी बर्फ है उसके पीछे, मतलब कोई जा नहीं सकता है। तो हम कभी जाएंगे तो आपको दिखाएंगे, अभी तो मौसम ठीक नहीं है। अरे पहले की शूटिंग है हमारे पास थोड़ी सी, उसकी क्लिप आपको इसमें थोड़ी सी दिखाई जाएगी। नेचुरल ब्यूटी ऐसी है कि मतलब ये सारा कुदरत का करिश्मा है। जैसे आप पीछे चट्टाने देख सकते हैं, तो ये एक नेचुरल ब्यूटी ऐसी है कि मतलब इसकी कोई तारीफ करो इतनी कम है। यहाँ पे एक बार बंदा आए तो समझ लो कि यहाँ से ऐसा दिल नहीं करता कि हम वापस, मतलब यहाँ से लौट कर हम घर को जाएं, जी चाहता है कुछ देर यहाँ पे बैठें, आराम करें। तो अभी तो फिलहाल हम, टाइम भी हो रहा है हमारा जाने का, तो अभी घर को लौटेंगे क्योंकि यहाँ पे रात नहीं गुजार सकते क्योंकि ठंड काफ़ी है। अभी मौसम आप जान सकते हो कि मौसम बहुत ख़राब चल रहा है। तो कोई बात ना, हम जब ऊपर जाएंगे कैलाश कुंड में तो आपको वहाँ पे पूरा बताएंगे कि क्या क्या है, प्राचीन ऐतिहासिक चीज़ें हैं वहाँ पे, जैसे पंडम जो थे तो उनके ज़माने की कुछ चीज़ें हैं वहाँ पे, तो आपको सारी दिखाएंगे। मौसम ठीक नहीं है, जब भी मौसम मतलब गर्मियों का मौसम आएगा तो हम वहाँ के लिए पिकनिक रखेंगे। तो आप लोगों को ज़रूर सुंदर नज़ारा आप देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कठुआ, तहसील बनी और ब्लॉक डुगन के ऊपर के एरिया में, जहाँ पे आप घारू मंदिर है, घारू माता का मंदिर है, यहाँ इस जगह को आप घारू बोल सकते हैं। तो अभी पीछे देख रहे हैं आप घारू माता, यहाँ पे एक प्रोग्राम है, मतलब नवरात्रा में नवरात्रा फेस्टिवल चल रहा है, तो काफ़ी दूर दूर से यात्रीगण आए हैं। अभी तो इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है यहाँ पे, ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं रोड यहाँ पे आ रहा है, मतलब अभी रोड बन रहा है, रोड की स्थिति काफ़ी ख़राब गंभीर है, तो मतलब गाड़ियाँ तो नहीं आ सकती इस रोड पे, अभी डेवलपमेंट हो रही है। यहाँ पे चलने फिरने का भी काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, अगर यहाँ से आप स्लिप हो सकती हैं, स्लिप हो सकती हैं, यहाँ पे आराम से चल सकते हैं, रास्ता है, रास्ता बना हुआ है, मगर कभी मतलब ऐसे स्लिप हो गया तो बचने के चांसेस बहुत कम हैं क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है, हम तो पहाड़ी हैं, हम मतलब चल सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ, तो हम तो चलते हैं यहाँ पे, नीचे से भी घूमते हैं। तो आम बंदे के लिए यहाँ पे घूमना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, आप देख सकते हैं ये पहाड़ी एरिया, नाम नाम ही है कि पहाड़ी एरिया है, तो पहाड़ियाँ तो होंगी यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं ये जंगल है, ये पीछे देवदार का जंगल है, देख सकते हैं। तो कुछ यात्रीगण आए हैं और यहाँ पे लकड़ियाँ अतिथि करी हुई हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लकड़ियाँ हैं, या किसी लकड़ियाँ अतिथि करके मतलब आग जला के यहाँ पे खुद से खाना बना के खाया है, तो एक अजीब सा स्वाद है इस खाने में, जो बाहर यहाँ पे जंगलों में जो हम खाना बना के खाते हैं, एक अजीब सा अपना ही टेस्ट होता है, मज़ा होता है। तो हम भी काफ़ी टाइम आए हैं, काफ़ी मतलब दफ़ा आए हैं, तो ऐसे खुद खुद से पिकनिक करके तो खुद से खाना बना के खाते हैं, तो एक अजीब सा मज़ा आता है। जैसे घर का खाना तो हर रोज़ खाते हैं, लेकिन ये बाहर का जो मतलब खाना है, ये एक इसमें एक अपना ही टेस्ट होता है, अपना ही मज़ा होता है। आप देख सकते हैं कुछ लोगों ने आग जलाई हुई है, आई थिंक बकरवाल या कुछ ऐसे लोग आते हैं यहाँ पे आग जलाई, इन्होंने खाना बनाया है लेकिन आग को जलता छोड़ के चले गए हैं, ये कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इतना खूबसूरत जंगल है आसपास, देवदार के इतने
खूबसूरत खूबसूरत पेड़ है, तो यहाँ पे जंगल को आग लगने का पूरा खतरा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी हमने देख लिया है तो हम इस आग को बुझा के जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी आग लग सकती है, टाइम भी होने वाला है, शाम का टाइम हो रहा है, तो जंगल में आग भी लग सकती है, तो ऐसे आग को बुझाना चाहिए। तो अभी हम आग को बुझाने की कोशिश, यहाँ पे पानी तो नहीं मिलेगा, बस पत्थर वगैरह से कोशिश करके हम आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप ऐसी खूबसूरत और दिल खुश कर देने वाली पहाड़ियों को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपके पास अपडेट पहुंचती रहे सबसे पहले। तो थैंक यू।